आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत पर तिहाड़ जेल से 6 महीने बाद बाहर आए आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गहरी साजिश के शिकार हैं। संजय सिंह ने कहा कि कुचक्र रचकर देश के बेटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई और उन्हें जेल भेजा गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, एक व्यक्ति है मघुंटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए, उनके बेटे राघव मघुंटा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को जब मघुंटा रेड्डी से पहली बार ईडी ने पूछा कि क्या वह अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, तो उन्होंने सच बताया और कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मैं मिला था। लेकिन उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राघव के उन 6 बयानों और उनके पिता के 2 बयानों को हटा दिया गया और ईडी ने कहा कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। ऐसे बयान जो अरविंद के खिलाफ नहीं थे, जिन बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, ईडी ने कहा कि हमें इस पर भरोसा नहीं है। बाप बेटे पर दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लिया गया। मघुंटा रेड्डी की तस्वीर पीएम मोदी के साथ है। 16 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के बाद 18 जुलाई को इनकी जमानत हो जाती है। यह बहुत बड़ी साजिश है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब से तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।